जशपुर में बगीचा एसडीएम और आईएएस अधिकारी रोहित व्यास इन दिनों एक शिक्षक की भूमिका में नजर आ रहे हैं। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और उसे व्यावहारिक करने के लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। शिक्षा सचिव आलोक के शिक्षा के निर्देश के बाद उन्होंने 3 चरणों में इसकी शुरुआत की है। इन्होंने इसकी शुरुआत बगीचा और कांसाबेल से की है। पहले चरण में वो संकुल समन्वयकों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और इस बात पर जोर दे रहे हैं कि शिक्षा ज्यादा से ज्यादा व्यवहारिक हो ताकि छात्रों को रटाने की जरूरत ना पड़े। दूसरे चरण में संकुल समन्वय शिक्षकों को प्रशिक्षण देंगे। इसके बाद तीसरे और आखिरी चरण में शिक्षक छात्रों को पढ़ाकर इस काम को अंजाम देंगे जिससे पढ़ाई आसान हो सके। प्रैक्टिकल के रूप में बच्चों को समझाने के लिए पहल शुरू की है। इसके लिए इन्होंने समन्वयकों को प्रशिक्षण भी दिया है। अब समन्वयक अपने स्कूलों में जा जा के टीचरों को प्रैक्टिकल स्टडी के बारे में लोगों को बच्चों को जागरूक करेंगे। बैठक लेके सभी सीएससी को प्रैक्टिकल के माध्यम से बच्चों को समझाने का मार्गदर्शन दिया है। पहले सीएससी को इस विषय में समझाया जा रहा है, वो सीएससी टीचरों को ट्रेंड करेंगे और इसके बाद टीचर बच्चों को इस मुद्दे को समझाएंगे ताकि जो बात बताई जाए वह चीज बच्चों के मन में घर कर जाए। शिक्षक क्लास में बोर्ड पर पढ़ा देते हैं, बच्चे कॉपी में नोट कर लेते हैं तो उसे कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आता है, तो बच्चे खुद एक्सपेरिमेंट अपने स्वयं से करें और उसके माध्यम से लर्न करें, उसी के लिए हम ये मिशन चला रहे हैं।